नमस्कार। आज सबकी निगाहें एक बार फिर राजस्थान की राजनीति पर थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज फिर से कोशिश की कि किसी तरह सचिन पायलट को पार्टी छोड़ने से रोका जाए। सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच में मुलाकात भी हुई। राजस्थान राजनीति में क्या हो रहा है, चलिए उस पर नजर डालते हैं और देखते हैं आज की अन्य मुख्य सुर्खियां। राजस्थान के सियासी ड्रामे पर पर्दा जल्द गिर सकता है। खबर है कि सचिन पायलट मान गए हैं। सोमवार को पायलट ने राहुल गांधी के आवास पर उनसे और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक बैठक के बाद सचिन पायलट गुट ने विधानसभा में गहलोत के समर्थन में खड़े होने की बात कही है। यानी बीते करीब महीने भर से कांग्रेस आलाकमान और सचिन पायलट के बीच जारी खींचतान अब लगभग खत्म हो गई है। पायलट से बैठक के बाद राहुल और प्रियंका ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि पायलट और राजस्थान के सियासी संकट पर आखिरी फैसला सोनिया गांधी करेंगी। बताया यह भी जा रहा है कि पायलट को ऐसा आश्वासन दिया गया है कि आलाकमान की तरफ से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पार्टी के खिलाफ बगावत करने और भाजपा से संपर्क के चलते सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में सोमवार को सचिन पायलट की राहुल प्रियंका से हुई मुलाकात के बाद अब राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस में हुए घटनाक्रम के बाद हमारा होटल का खर्चा बच गया है। खबरों के मुताबिक बैठक में पायलट ने राहुल गांधी को भरोसा दिलाया है कि वो भविष्य में राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान भाजपा का प्लान था कि वो 14 तारीख से शुरू हो रहे सत्र के मद्देनजर अपने सभी विधायकों को लेकर 11 अगस्त से ही जयपुर के क्राउन प्लाजा होटल में रहेंगे। दरअसल ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि बीजेपी सभी विधायकों को एमपी या गुजरात नहीं भेज सकी थी। कुल 20 भाजपा विधायकों को ही पार्टी गुजरात भेजने में सफल रही थी। खबर है कि 11 अगस्त को वसुंधरा राजे विधायकों के साथ जयपुर में मौजूद होंगी। सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई जांच के दायरे में आई बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की है। रिया ने न्यूज चैनलों पर मीडिया ट्रायल और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए उन्हें दोषी ठहराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। रिया ने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया ने उन्हें पहले ही दोषी करार दिया है और उन्हें डर है कि वो किसी राजनीतिक एजेंडा के तहत बलि का बकरा ना बन जाए। रिया ने अपनी याचिका में लिखा कि सुशांत के सुसाइड के बाद दो और एक्ट्रेस ने सुसाइड किया जिसका मीडिया में कोई भी जिक्र नहीं हुआ। अपनी नई दलील में रिया ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वो उन्हें इस ट्रॉमा और गोपनीयता के उल्लंघन से बचाए। रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच जून के पहले हफ्ते में गंभीर झगड़ा हुआ था। मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो एक दूसरे के परिवार को लेकर शुरू हुए इस झगड़े में नौबत मारपीट तक आ गई थी। इस झगड़े के बाद रिया ने सुशांत का अपार्टमेंट छोड़ दिया था और उनका मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। दरअसल हाल ही में मुंबई पुलिस ने सुशांत सुसाइड केस की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है जिसमें रिया के इस चौंकाने वाले खुलासे का जिक्र है। आईएएस के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में हाथ आजमाने वाले शाह फैसल ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। फैसल ने अपने ट्विटर हैंडल से राजनीतिक बायो को भी हटा दिया है। पार्टी की कमान अब फिरोज पीरजादा को सौंपी गई है और उन्होंने खुद इसकी पुष्टि भी की है। साल 2010 में आईएएस की परीक्षा टॉप करने वाले फैसल ने 2019 में इस पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया था। अब चर्चा है कि फैसल एक बार फिर प्रशासनिक सेवा में वापसी कर सकते हैं क्योंकि उनके इस्तीफे को अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। वहीं अटकलें उनके अमेरिका जाकर पढ़ाई करने की भी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खुद उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। 84 साल के पूर्व राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस बार अस्पताल की यात्रा एक अलग प्रक्रिया के लिए, मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया हूँ। प्रणब ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि पिछले एक हफ्ते में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो सभी टेस्ट करवाएं और आइसोलेट हो जाएं। ऐसा समझा जा रहा है कि बढ़ती उम्र के कारण भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साल 2019 में भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी साल 2012 से 2017 के बीच देश के राष्ट्रपति रहे। प्रणब से पहले देश के और कई वीवीआईपी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं।
भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,064 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 1,007 मरीजों की कोविड-19 से मौत हुई है। भारत में पहली बार 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसके साथ देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 44,386 पहुंच गई है। वैसे देश में लगातार चौथे दिन 60,000 से अधिक लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के केसों की कुल संख्या 22,15,075 तक पहुंच गई है। इसी दौरान कुल 15,35,744 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 6,34,945 एक्टिव केस हैं। भारत में संक्रमण अभी भी 10 राज्यों में केंद्रित है, जिसके कोरोना वायरस के नए मामलों में 80% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने की रफ्तार अब अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा है। भारत में कोरोना वायरस से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। सोमवार सुबह तक 15,34,278 लोग कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। देश में करीब 22 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि भारत में रोज 60,000 से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 80% कोरोना के केस सिर्फ 10 राज्यों से ही है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। देश में छाए कोरोना संकट के बीच सामाजिक दूरी जैसे एहतियातों का पालन नहीं करने का खामियाजा आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर को भुगतना पड़ रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति मंदिर में काम करने वाले 743 कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत इससे हो चुकी है। ये खौफनाक आंकड़े पिछले 60 दिनों के हैं। कोरोना संकट के बीच मंदिर को बीते 11 जून को फिर से खोला गया था। अब तक मंदिर के 402 कर्मचारी कोरोना वायरस को मात देकर वापस घर लौट चुके हैं, जबकि अभी भी 338 कर्मचारी अस्पताल में हैं। खुद मंदिर प्रशासन के कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सिंघल ने इस बात की पुष्टि की है। उनका दावा है कि श्रद्धालुओं के अनुरोध पर ही 2.5 महीने के बाद फिर से मंदिर को खोला गया है और कोरोना को लेकर सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बाढ़ से बने हालातों की समीक्षा की। इस बैठक में बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद पीएमओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद दी जाएगी। इसके अलावा सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक स्थायी प्रणाली पर काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, फ्लड फोरकास्टिंग के लिए लेटेस्ट तकनीक और एजेंसियों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डेवलप करने की भी बात कही गई। इस समय देश का करीब आधा हिस्सा बारिश और पानी से परेशानी झेल रहा है। जहां एक तरफ बिहार में करीब 74 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, वहीं यूपी में 20 जिलों में 800 गांव पानी से घिर गए हैं। केरल और असम में भी हालत चिंताजनक है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में भी बारिश के कारण पहाड़ और मिट्टी खिसकने से काफी नुकसान का समाचार है। दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों में शुमार देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को 3 अहम सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की आजीविका सुरक्षित रहे। इसके लिए उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता देकर उनके खर्च करने की क्षमता को बनाए रखा जाना चाहिए। दूसरा सुझाव यह है कि सरकार को सरकारी क्रेडिट गारंटी कार्यक्रमों के जरिए व्यापार और उद्योगों को पर्याप्त पूंजी मुहैया कराना चाहिए। मनमोहन सिंह का तीसरा और आखिरी सुझाव यह है कि फाइनेंशियल सेक्टर में संस्थागत स्वायत्तता और प्रक्रियाओं के जरिए सुधार लाया जाए। बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी की शुरुआत से पहले ही मंदी की गिरफ्त में थी। 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ 4.2% रही, जो लगभग एक दशक में सबसे कम ग्रोथ रेट रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक 6 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बर्बरता से रेप करने वाला आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। दिल दहला देने वाली ये वारदात पिछले गुरुवार की है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। वहीं बच्चे के परिवार और पड़ोसियों की निशानदेही पर 3 स्केच जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल गढ़ मुक्तेश्वर इलाके के एक गांव में 6 साल की मासूम बच्ची को बाइक सवारों ने तब अगवा कर लिया था जब वो घर के सामने खेल रही थी, जिसके बाद उसका रेप भी किया गया।
दूर झाड़ियों में खून से लथपथ मिली बच्ची को बाद में मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में बच्ची के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह कुचले जाने की बात भी कही है। डीएमके सांसद कनीमोई से सीआईएसएफ कर्मी का हिंदी न बोलने पर भारतीय न होने की बात करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसने एक बार फिर हिंदी बनाम दक्षिण भारतीय भाषाओं के विवाद को हवा दे दी है और दक्षिण भारतीय नेता खुलकर हिंदी विरोध के सुर तेज कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कई ट्वीट कर आरोप लगाया है कि हिंदी पट्टी के नेता दक्षिण भारतीय नेताओं का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने लिखा कि कनीमोई के साथ हुए इस अपमान के खिलाफ मैं आवाज उठाता हूं। हिंदी भाषा राजनीति ने दक्षिण भारत के नेताओं से कई अवसर छीने हैं, कई नेताओं को प्रधानमंत्री बनने से रोका है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने भी इस घटना के खिलाफ ट्वीट किया था। दरअसल चेन्नई एयरपोर्ट पर कनीमोई से जब एक महिला सीआईएसएफ कर्मी ने हिंदी में कुछ पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती। इस पर सीआईएसएफ कर्मी ने सवाल कर दिया कि क्या आप भारतीय हैं? कनीमोई ने घटना को बयान करते हुए ट्वीट कर पूछा कि भारतीय होना कब से सिर्फ हिंदी जानने के बराबर हो गया है। भारी बारिश ने उत्तराखंड में तबाही मचा रखी है। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। सड़कें, खेत, घर या मंदिर, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। बरसाती नाले उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में तो हालात और भी बदतर हैं। यहां सिरवाड़ी गांव में सोमवार की सुबह बादल फट गया, जिसके बाद अचानक आए पानी के सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कई घर पानी के तेज बहाव में बह गए। उत्तराकाशी के एक गांव की तस्वीर बयां कर रही है कि लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो में पहाड़ों के बीच बने लकड़ी के पुल के सहारे नदी पार कर रहे ये लोग जान का खतरा मोल अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव क्रिकेट में भी हाथ आजमाएंगे। खबर है कि उनकी कंपनी बीसीसीआई की क्रिकेट लीग आईपीएल के इस साल के टाइटल स्पॉन्सर की रेस में शामिल हो गई है। इस बात पर मुहर लगाते हुए पतंजलि के प्रवक्ता एसके तिजारावाला ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम इस साल आईपीएल स्पॉन्सर करने की सोच रहे हैं। इसके पीछे हमारा मकसद कंपनी को ग्लोबल ब्रांड बनाना है। बता दें कि आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप जीतने की रेस में बाबा रामदेव की कंपनी अकेले नहीं दौड़ रही होगी, बल्कि यहां इसे अमेज़न, फैंटसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम इलेवन और टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर और ऑनलाइन लर्निंग कंपनी बायजूस से कड़ी टक्कर मिलेगी। बाजार के जानकार के मुताबिक इस रेस में एक राष्ट्रीय कंपनी होने के नाते पतंजलि का दावा मजबूत तो है, लेकिन उसमें एक मल्टीनेशनल ब्रांड के तौर पर स्टार पावर की कमी है।